Greetings. Recently ye hua ke ek Mr. American Patriotic ne mujhe kaha ke tum itni anti-American kyun ho aur kab thi Karachi American School mein? Usko to yaad bhi nahi hai कि मिस डिसा भी उनकी नेबर कराची अमेरिकन स्कूल में थी जिनके साथ कराची अमेरिकन स्कूल ने बड़ा जुल्म किया और जब तक मिस डिसा अमेरिकन स्कूल में थी बेचारी रिटायर होने पे ही उसको कैंसर दे दिया। ये अमेरिकन्स ही कर रहे हैं, कैंसर दे रहे हैं। तो बात ऐसे निकली कि मेरे उस पे टाइमलाइन पे कहते हैं कि मुझे ये अमेरिकन पेट्रियोटिक के ऑन माय पेज यू आर इंसल्टिंग मी। कब तुम्हें इंसल्ट किया है? इंसल्ट तो दूर की बात है, ज़रा सोचो तो सही तुम्हारे अमेरिकन्स ने कितनी बॉम्बिंग की है इराक में, सीरिया में, यमन में। कैसे पैसे दे के थ्रेटन करके अरेबिया को थ्रेटन किया है। अभी तो ये है कि यूएई का वक्त नहीं है, अभी सीरिया का वक्त है, यमन का वक्त है कि हमारे अरब ऑर्फिन्स हों, विडोज़ हों, बेपर्दा हों। अभी तो जो ऑयल यूएई में है और सऊदी अरेबिया में है उसको भी इस्तेमाल कर रहे हैं अमेरिकन्स। जब ये ऑयल नहीं चाहेगा अमेरिकन्स को, हम पे भी यूएई पे भी अटैक करेंगे जैसे सीरिया पे करवाया, जैसे इराक को किया सद्दाम हुसैन को लाके, और जैसे यमन में किया है इन्होंने। यही तो नहीं था, ये हम मेरा पाकिस्तानी फ्रेंड था अभी बहुत मिस्टर अमेरिकन पेट्रियोटिक हो गया है। पहले तो कह रहा था अभी जब अमेरिका से वेकेशंस पे कराची वापस आए थे कि कभी भी वेस्टर्न वर्ल्ड इकॉनमी को, दुबई की, यूएई की, मिडिल ईस्ट की बर्स्ट कर सकती है। यूएई मिडिल ईस्ट एक बबल है जिसको वेस्टर्न विकेड फाइनेंसर्स बर्स्ट कर सकते हैं बबल की तरह। फिर मैं कहाँ जाऊँगा? अब मैं समझ गया हूँ, अब वो समझ गए थे अमेरिका जाके कि अमेरिका में ही इन्वेस्ट करो वरना बहुत बुरा होगा जब अमेरिका चाहेगा यूएई के बबल को बर्स्ट करे मार्केट के, तो बहुत बुरा होगा।